कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ स्टेशन पर गाना गाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाली एक महिला रानू मंडल के साथ। सिर्फ एक वीडियो ने रानू की किस्मत का सितारा ऐसा चमका दिया कि वो सोशल मीडिया स्टार बन गई। अपनी सुरीली आवाज से रानू ने इंटरनेट पर यूजर्स को अपना फैन बना लिया है। रानू के उस एक वीडियो ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म में गाने का ऑफर तक दिला दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के राणाघाट स्टेशन पर रानू मंडल एक दिन यात्रियों के सामने अपनी सुरीली आवाज में लता मंगेशकर का एक गाना एक प्यार का नगमा है गा रही थी। तभी एक शख्स अतीन्द्र चक्रवर्ती ने उनका वीडियो अपने फोन पर रिकॉर्ड किया और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और रातों रात यह महिला इंटरनेट सेंसेशन बन गई। कुछ भी नहीं तेरे मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरे मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है। ला 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 रानू का यह वीडियो वायरल होते ही उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। भीख मांगना अब उनके जीवन में काफी पीछे छूट गया और इसके लिए हर कोई बॉलीवुड के सिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने रानू के टैलेंट को पहचाना और उसे निखारने में बड़ा योगदान दिया। वैसे अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस शख्स से जिसने वाकई में रानू की जिंदगी बदली है और वो है अतीन्द्र चक्रवर्ती, जिसने स्टेशन पर अपने फोन से रानू का वीडियो रिकॉर्ड कर अपने फेसबुक पर अपलोड किया था। वह युवक बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार या प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि एक सामान्य 26 साल का युवक है जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और राणाघाट में ही रहते हैं। अतीन्द्र को खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके एक वीडियो ने कैसे एक महिला की जिंदगी बदल दी। रानू को मौका देने के लिए अतीन्द्र ने हिमेश रेशमिया को शुक्रिया कहा। वीडियो के बाद अतीन्द्र लगातार रानू के संपर्क में है। रानू जब स्टूडियो में हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी, उस वक्त भी अतीन्द्र स्टूडियो में ही मौजूद थे। रानू का रिकॉर्डिंग करते समय का वीडियो हिमेश रेशमिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। इसमें रानू हिमेश रेशमिया के साथ स्टूडियो में खड़ी सॉन्ग रिकॉर्डिंग करती नजर आ रही है। रानू को कई जगह से अब गाने के ऑफर आ रहे हैं और कई सामाजिक मंच पर उनके टैलेंट का सम्मान भी हो रहा है और इन सभी जगह पर अतीन्द्र भी लगातार रानू के साथ ही नजर आ रहे हैं। रानू ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुझे बचपन से ही संगीत सुनने और साथ गाने का शौक था। हालांकि मुझे मोहम्मद रफी और मुकेश जी के गाने बहुत पसंद थे। यह लता मंगेशकर थी जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैं उनके गायन से जुड़ी रहती थी और उनका गाना मेरे दिल को छूता था। और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।